कोरोना वायरस संक्रमण ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में भी इस जानलेवा वायरस ने अपना कहर बरपा कर अब तक हजारों लोगों की जानें ले ली और सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर दिया। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत बहुत से प्रमुख त्योहारों को इस बार सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार नहीं मनाया जा रहा है। इसी क्रम में इस बार जन्माष्टमी के पर्व को भी कान्हा की नगरी मथुरा में नहीं मनाया जा रहा। केवल मंदिरों के अंदर ही सेवायत और पुजारी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एडीजी अजय आनंद मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे, जहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधीनस्थों को एडीजी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बताया कि कोई भी बाहर से या जनपद में से दर्शनों के लिए कृष्ण जन्म भी न आए और लाइव टीवी के माध्यम से कि वह अपने आराध्य के दर्शन करें, जिससे हम इस जानलेवा वायरस से बच सकें। जन्माष्टमी को देखते हुए मैं यहाँ पे अपने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने आया था और समस्त हमारी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। COVID-19 के तहत जो प्रोटोकॉल है उसका हम लोग अनुपालन करेंगे और उसी के तहत यहाँ पे जन्माष्टमी जो भव्यता से मनाई जाएगी उसका लाइव प्रसारण होगा। मैं आप सभी के माध्यम से सभी जनता के लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जन्माष्टमी का पर्व अपने घरों में रह कर मनाएं और कृष्ण भूमि परिसर से जो भी पूजा का लाइव प्रसारण होगा, जन्म का प्रसारण होगा, उसको अपने घर में देख के उसका आनंद उठाएं।